अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कुछ गुण हमारे अपने होते हैं और कुछ गुण हमारे अपने माता पिता के रक्त से आते हैं। जैसे बीमारियां आती है ना कि माता पिता में जो बीमारी होती है कई बार बच्चों को भी आ जाती है, तो ऐसे ही कुछ गुण भी माता पिता के ही DNA से आते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हैं, उनके त्याग की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित का हो सकता है भगवत प्रेम का अपना गुण हो, त्याग का अपना गुण हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुण है ना त्याग का राजा परीक्षित के अंदर, अपने से ज़्यादा अपने पूर्वजों के रक्त से आया है, DNA से आया है। क्यों? क्योंकि कौन है इनके पूर्वज परीक्षित के? अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, जो हमेशा द्वारिकाधीश की उंगली पकड़कर कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, हम तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह हैं, बच्चे पड़े हैं, अब माँ सात घर बदलती है, अब अपने दांतों से उठा उठा कर जहाँ रखे हमको वो स्वीकार है, बस पड़े हैं। हम बंदर के बच्चे नहीं हैं कि अपने आप पकड़ना चाहें, हम तो बिल्ली के बच्चे हैं केशव, बस। दुर्योधन बंदर का बच्चा है, वो अपने बल पर युद्ध जीतना चाहता है जैसे, और बंदर का बच्चा बनने में बड़ा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब बंदरिया इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप लगाती है ना, तो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ी है, बंदर ने पकड़ा है, हाथ फिसला, उसको अपने बल पर अभिमान है, हाथ फिसला गया, लेकिन वहां पर समर्पण है बिल्ली के बच्चों का, जहां ले जाएगी अच्छी ही जगह ले जाएगी, बच्चे कुछ नहीं पकड़ते। तो भक्त में और ज्ञानी में यही अंतर होता है, ज्ञानी बंदर के बच्चे की तरह होता है, अपने ज्ञान के बल पर परमात्मा को पाना चाहता है, जिसमें स्खलित होने का भय रहता है, और यदि गिर जावे तो फिर उसको उठाने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्ली के बच्चे की भांति होता है, यदि कदाचित गिर भी जाए तो भगवान उसकी उंगली पकड़ते हैं। तो ऐसे जो पांडव हैं उनकी उंगली पकड़कर द्वारिकाधीश की चलने वाले पांडव, उन पांडवों का कृष्ण प्रेम कितना अथाह है आप सब जानते हैं, तो वही कृष्ण प्रेम आज रक्त के माध्यम से परीक्षित के पास आया, इसीलिए तो इतना बड़ा त्याग, नहीं तो त्याग करना इतना आसान है क्या?